हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू टू माय चैनल पेट्स प्लैनेट विद सुशन। तो दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं, ये मेरे हाथ एक छोटा सा बेबी बर्ड है जो हमारे जो गार्डन है, वो गार्डन में एक था, पेड़ था, तो उसमें ये बच्चा दिया हुआ था। तो आज मैं सुबह देखा तो ये उस नेस्ट से वो गिर गया था, और उनके जो पेरेंट्स है, जो इनके जो फादर मदर है, तो वो उसको ढूंढ रहे थे काफ़ी देर से। तो मैंने इसको बहुत ही ढूंढा, इसको फाइनली ये मिल गया है। और इनका जो है, इनका जो नेस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो उस जो देख रहे हैं, वो इस उसके ऊपर किए हुए हैं नेस्ट। तो हम इसको अभी रेस्क्यू किए, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो इसको छोड़ने के लिए हमको एक ये लाडर है हमारा, ये लाडर के माध्यम से हम वो ऊपर चढ़ेंगे, वो पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको बेबी बर्ड को ठीक ठाक उसके घर पे रख देते हैं। देखिए कितना क्यूट सा है ये जो बर्ड होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे जो पेड़ में जो होते हैं मेल वगैरह, उसको खाते हैं। और ये बेबी भी अभी भी माँ बाप से खा रहा है अभी। तो इसको चलिए इसको अपने घर पे रख के आपको दिखाते हैं कैसे रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं, ये जो बेबी बर्ड है, उसको लग रहा है कि ये इसका जो पैर है, सायर टूट चुका है, ये इसका जो पैर है। फिर भी हम इसको ट्राई करेंगे इसको ठीक करने के लिए। तो हम क्या करेंगे ना, इसको पैर को चलिए ठीक करते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, हमको लगता है कि इसका जो पैर है, शायद ही इसका पैर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसका जो फ्रेंड्स, ये जो नेस्ट है, हमको लग रहा है कि ये नेस्ट में छोड़ने के बाद भी शायद ये नेस्ट है भी बाहर आ जाएगा। तो और बाहर आने के बाद नीचे आके मर सकता है, बिल्लियों के भी शिकार हो सकता है। तो इसलिए हम फाइनली तय किया कि मेरा एक छोटा सा एक पिंजरा था, इसका जो ऊपर का हिस्सा था, मैं इसको निकाल चुका हूँ। और इसमें मैं इसके लिए बेडिंग प्रॉपर कर देता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी इसके जो माँ बाप है, वो इसमें आके अंदर भी जा सकते हैं, और अपने जो ये छोटा सा बच्चा है, इसको भी खाना दे सकते हैं अच्छे से, और बेबी भी अच्छी तरह से इसमें ग्रो कर सकता है, और बाहर भी नहीं आ सकता, और बाहर आके भी ये ठीक ठाक से बड़ा होके फिर से ये अपने जो कॉलोनी है यहाँ पे घूम रहे हैं, वो सारे से मिल सकता है। तो ये फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये प्रॉपर इसका जो बेडिंग है, ये ठीक हो चुका है। इसको अब इसको हम इसमें छोड़ देते हैं, इस पे बेडिंग पे। तो इसमें ये अपने अंदर चला गया है, तो हम इसको तो देखिए इसको छोड़ने के बाद भी कैसे होता है।
तो दोस्तों ये देख सकते हैं फाइनली ये हम इसका जो नेस्ट था वो नेस्ट के नीचे वो हमने इसका जो केस था बनाया था इसके लिए, तो इसका उसको टांग चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम इनको फादर मदर को थोड़ा ढूंढते हैं। तो दोस्तों ये हम शायद ही इसका जो माँ है शायद आ गया है। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं इसका जो पेरेंट्स केयर था वो उनके बच्चे को देख चुके हैं, अभी शायद ही वो नेस्ट के अंदर जाएंगे। ये देखिए ये देख चुका है उसके बच्चे को, धीरे धीरे वो जब वो नए नेस्ट है ना तो इसीलिए उनको थोड़ा डर लगता होगा। इसके बाद थोड़ी देर बाद ये वो नेस्ट के अंदर चला जाएगा शायद, और माँ चले जाने के बाद वो बच्चा भी बड़ा होके ठीक ठाक उड़ पाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर एक मिलते हैं नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।